हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी। नीट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है बायोलॉजी का, लगभग हर साल 10 या 8 क्वेश्चन पूछते हैं उस यूनिट से। तो यूनिट है 9 बायोटेक्नोलॉजी, उसमें है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इस टॉपिक पे लगभग 5 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि ये 20 मार्क का चैप्टर है। तो आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है शाहू साइंस एकेडमी, लाइक करें एंड शेयर करें। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया इन बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस लगभग 3 फील्ड में या फिर 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च फील्ड में काम करती है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो है कि इट प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग। थर्ड है प्यूरिफाई प्रोटीन्स, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जो खाने पीने से लेकर एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर जो हमारा जो खाने की चीज़ें, जैसे कि प्रोटीन देखा, उसका जो प्रोटीन की कैपेसिटी क्वालिटी फूड इम्प्रूवमेंट करना है, इससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी है और उसके एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फर्स्ट है एग्रोकेमिकल, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमें देखना है एग्रीकल्चर फील्ड। सेकंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि कम से कम पेस्टिसाइड खर्च करके जो हमारी जो खेती की जो क्वालिटी है फूड की तो उसको इम्प्रूव करना है। थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस एग्री, यानी कि जो मॉडिफाइड फील्ड है, यानी कि कम से कम लागत में, कम से कम पानी पे, कम से कम खाद पे किस प्रकार से हम फूड की या फिर क्रॉप को यील्ड कर सकते हैं कम से कम खर्च में, तो वो इम्प्रूव करना है। ग्रीन रिवोल्यूशन है पॉपुलेशन इंक्रीज, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमें यहाँ पे करना पड़ा, कि जिसकी वजह से जो खाने की चीज़ें हैं यानी कि खेती से रिलेटेड उनका इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी कि जो खाने की जो क्रॉप है, धान्य है, उसकी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी, उसकी क्वांटिटी। इम्प्रूव क्रॉप वराइटीज़, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वराइटीज़ है, यानी कि यदि एक टाइप का गेहूँ था जो हमारे परंपरागत जो हमारे दादा परदादा तक उसकी खेती करते थे, लेकिन उस गेहूँ की खेती करते समय उसमें जो वराइटी इम्प्रूवमेंट की, यानी कि उस वजह से उसका जो यील्ड था, उसकी क्वांटिटी थी, वो बढ़ गई। थर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि GMO, उस क्रॉप में वराइटी ऑफ जो मॉडिफिकेशन है वो की गई, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। मोड ऑफ क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक, इसमें मेड ऑफ क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक, यानी कि जो कोल्ड है, यानी कि ठंडी है, ड्रॉट है, यानी कि जब कम बारिश होती है उस समय में, सॉल्ट एंड हीट, इसके जो क्रॉप पे जो भी नुकसान या फायदा होता है तो उसको इससे बचाना था। तो ये मेड क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो उसकी जो बढ़ने की या फिर डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी कि कम से कम हमें उस पे जो पेस्ट है या फिर केमिकल उस पे यूज करने हैं उस क्रॉप पे। थर्ड है इंक्रीज मिनरल्स यूज बाय द प्लांट, सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो खेती की ज़मीन है उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको इम्प्रूव करना है। फोर्थ इंक्रीज फूड वैल्यू, यानी कि जो फूड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, जैसे कि यहाँ पे NCERT में दी गई है लाइन कि राइस में विटामिन ए होता है, ये इम्पोर्टेंट है, और उस राइस का नाम है गोल्डन राइस, ये इम्पोर्टेंट है। नीट के लिए सवाल पूछ सकते हैं कि गोल्डन राइस उसमें कौन सा विटामिन होता है, या फिर जो राइस है जिसमें भरपूर प्रमाण में विटामिन ए है तो उसका नाम है गोल्डन राइस। GM यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या है कि जो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लेंगे कि डिजायर्ड जीन
इन प्लांट, हमें जो जो जीन चाहिए जिसकी क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी है, या फिर नए जो नया जो जीन है वो ओल्ड प्लांट में इनपुट करना है, उसे डिजायर्ड जीन बोले जाते हैं। जैसे कि बीटी टॉक्सिन यहाँ पे दी गए है कि बैसिलस थोरेंजेनेसिस ये नाम का एक जीन है वो इम्पोर्टेंट है। वो जो जीन है वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक जीन है वो बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस इन प्लांट, जो प्लांट में उसे इनपुट करने के बाद तो रजिस्ट टू इंसेक्ट, यानी कि जो जब उसको इंसेक्ट खाएगा, यानी कि जैसे हमारे बीटी कॉटन यहाँ पे दिया गया है, बीटी कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये जो कॉटन है, कॉटन का जो सीड होता है जब उसको इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट खाने के बाद इंसेक्ट खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि ये जो बीटी टॉक्सिन या फिर बीटी जीन है वो पॉइजनस है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉलवर्म यानी कि जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। यहाँ पे बीटी कॉटन प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल द इंसेक्ट, बीटी कॉटन जो है वो बीटी प्रोड्यूस प्रोटीन, जो बीटी है वो प्रोड्यूस प्रोटीन करता है और जो उसे उसकी वजह से किल हो जाता है इंसेक्ट। लिपिडोप्टेरन्स ये एक इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है जिसकी वजह से कि जो टोबैको, बर्ड वर्म, आर्मी वर्म किल हो जाता है, ये जो प्रोटीन है। उसके बाद है कोलिप्टन्स, कोलिप्टन्स बीटल्स, बीटल्स में पाया जाता है। डिप्टेरन्स, डिप्टेरन्स ये एक अलग से एक प्रोटीन है जो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज में पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बीटी टॉक्सिन है या फिर बीटी कॉटन है या फिर बीटी जीन है वो टॉक्सिक है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है। ये जो शब्द शुरू में, ये जो बीटी जीन है वो शुरू में इनएक्टिव होता है, लेकिन बट वेन इट इंसेक्ट, वेन द इंसेक्ट ईट दैट लीफ और फ्रूट, जब इंसेक्ट उस कॉटन के बॉल को या फिर कॉटन के फ्रूट को जब इंसेक्ट खाता है तो उसको खाने के बाद जो उस इंसेक्ट के जो पेट में पीएच होता है, पीएच हो यहाँ पे दिया गया है कि इंटेस्टाइनल पीएच ऑफ इंसेक्ट इट एक्टिवेट दैट बीटी जीन, यानी कि जो इंसेक्ट के पेट के अंदर जो पीएच है, पीएच वो एसिडिक फॉर्म में होने की वजह से वो जीन जो है वो एक्टिव हो जाता है। देन इट किल द इंसेक्ट, उसके बाद क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है, यानी कि जब ये शुरू में बीटी जीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब इंसेक्ट उस बॉल को या फिर उस फ्रूट को खाता है तब वो मर जाता है। जीन ऑफ बीटी इज टॉक्सिक, और जो टॉक्सिक जीन है उसका नाम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्राई जीन, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्राई जीन, ये जो बीटी टॉक्सिक जीन है उसका यहाँ पे चार एग्जांपल दिए गए, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये जो है ये दो जीन तो ये कॉटन बॉलवर्म में पाए जाते हैं। कॉटन बॉलवर्म में कौन से जीन पाए जाते हैं तो क्राई फर्स्ट, क्राई सेकंड, एसी एंड एबी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो सेकंड है, सेकंड जीन है वो क्राई वन एबी, ये कॉर्न बोरर में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, निमेटोड्स आर द पेस्टिसाइड लिविंग इन निमेटोड्स आर द पैरासाइट लिविंग इन अ प्लांट्स एंड द एनिमल बॉडी, ये जो निमेटोड्स है वो प्लांट एंड एनिमल में पाए जाते हैं। ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट यानी कि दूसरे की बॉडी में जाके अंदर रहना। तो मिल्डेंग्यू इज एन कॉन्जिशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, देयर इज एन रिड्यूस क्रॉप यील्ड ऑफ टोबैको, यानी कि जो मिल्डियो कॉन्जिटिया इट इन्फेक्ट द रूट ऑफ आपके जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है मिल्डिंगिन, और जो देयरफॉर इट प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रोसेस, देयरफॉर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रोसेस आरएनए इंटरफेरॉन आरएनए आई यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। तो जो आपको पूछ सकते हैं कि जो टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करने से कौन बचाता है तो आरएनए इंटरफेरॉन। तो इस तरह से ये जो जीन है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो
इट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल्युलर डिफेंस इट इम्प्रूव mRNA स्लाइसिंग यूज एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो वेक्टर होते हैं वो वेक्टर यहाँ से वहाँ जीन को लेके जाते हैं निमेटोड स्पेसिफाई mRNA डीएस आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री ये जो दोन आरएनए दिए गए उनके नाम आपको याद रखने mRNA एंड डीएस आरएनए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो यूज़ है वो मेडिसिन फील्ड में किया गया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इम्यूनिटी इंक्रीज जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया गया है मोर इफेक्टिव ड्रग उससे बनाए हुए ड्रग कैसे मोर इफेक्टिव है 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक अप्रूव्ड ये इंपॉर्टेंट है कि कितने रिकॉम्बिनेंट डीएनए थेरेपी यहाँ पे अप्रूव्ड है तो 30 है इन इंडिया 12 यूज उसमें से 12 यूज़ की जाती जो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है आरडीएनए टेक्नोलॉजी तो 12 उसका यूज़ किया जाता है 12 टेक्नोलॉजी है 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपी है उसमें से 12 अप्रूव्ड है या फिर की जाती है इम्पोर्टेंट ये नंबर्स जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन अब जो इंसुलिन है इंसुलिन का जो रोल है वो है शुगर लेवल कंट्रोल करना हमारे जो ह्यूमन बॉडी में है वो ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन जो है वो पैंक्रिया क्रिएट करता है या फिर फॉर्म करता है लेकिन जो ह्यूमन में जब इंसुलिन की कमतरता हो जाती है तो उससे डायबिटीज होती है यह हमें सबको मालूम है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज होता है याद दिया गया है नाउअडेज फ्रॉम बैक्टीरिया इट इज़ गिव्स अब लोग बहुत प्रमाण में बहुत ही सारे ढेर सारे क्वांटिटी में लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है जो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है उसको बनाने के लिए बैक्टीरिया से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्ली फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ पिग शुरू में जो था जब ये बायोटेक्नोलॉजी आने से पहले ये पैंक्रिया ऑफ पिग्स कैटल उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पैंक्रिया ऑफ पिग एंड कैटल से इन इंसुलिन या फिर टू स्टार्ट पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन है चेन ए चेन बी आर लिंक बाय डाइसल्फाइड ब्रिज जो इंसुलिन है इंसुलिन ए एंड बी या फिर इंसुलिन में दो स्टैंड है और जो दोनों स्टैंड है ए एंड बी उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट किया गया है इंसुलिन इन ह्यूमन सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन जो ह्यूमन में है ह्यूमन में इंसुलिन जो है वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है बिफोर मैच्योर इंसुलिन इट इज़ इन स्ट्रेच सी पेप्टाइड 1983 ई लिली ये जो अमेरिकन कंपनी थी उसने 2 DNA सीक्वेंसेस ए एंड बी प्रोड्यूस इंसुलिन एंड देन इंट्रोड्यूस इन ई कोलाई इट प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यानी कि 1983 में अमेरिकन कंपनी थी उसने क्या किया था कि जो इंसुलिन है इंसुलिन को क्या किया कि जो बैक्टीरिया है ई कोलाई उसमें इंट्रोड्यूस किया था और जो ई कोलाई है ये जो बैक्टीरिया है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल या फिर उसका एक काम होता है कि जो भी आप जीन उसमें इंसर्ट करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन करता है तो जो ई कोलाई में जो इंसुलिन जीन था इंट्रोड्यूस करने की वजह से ई कोलाई जो करती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाती है और ई कोलाई उस इंसुलिन को बनाने के बाद ये जो बैक्टीरिया है उससे एक अमेरिकन कंपनी थी वो एक्सट्रैक्ट करती थी इंसुलिन और उस इंसुलिन को हमारे जो इंसान है ह्यूमन को ट्रीटमेंट जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट करने में मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते थे जीन थेरेपी जो अब ये जीन थेरेपी क्या है कि जो हमारे बॉडी में डिफेक्टिव जीन है यानी कि कोई भी कमज़ोर जीन है या फिर ख़राब जीन है उसको जो है नॉर्मल जीन बनाना है तो उसे जीन थेरेपी किया जाता है फर्स्ट क्लाइंट जीन थेरेपी ये जो थी तो 4-year-old गर्ल थी 1990 ये जो इम्पोर्टेंट है कि 4 साल की जो बच्ची छोटी बच्ची थी उसका 1990 में जीन थेरेपी किया जाता था किया गया था एडीए एडीए एंजाइम एडिनोसिन
डीएमिनेज ये इम्पोर्टेंट था, और जो 4 साल की जो बच्ची थी उसमें एडीए डिफिशियंसी थी, यानी कि उसकी एडीए डिफिशियंसी थी, उस वजह से उसकी इम्यूनिटी पावर जो थी तो वो वीक थी। और ये जो एडीए जीन है वो क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी ह्यूमन की इम्यूनिटी पावर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये एडीए जीन। उस लड़की में वो जीन ही खराब था, तो उस लड़की को ट्रीटमेंट दी गई थी, वो जो एडीए जीन था उसको अच्छे जीन से रिप्लेस किया गया था। तो यहाँ पे थ्री मेथड फॉर क्योर, तो सबसे पहले बोन मैरो, उसके बाद है एंजाइम रिप्लेसमेंट, थर्ड है लिम्फेटोसाइट कल्चर या फिर लिम्फोसाइट कल्चर। तो ये जो जीन थेरेपी है उसमें फर्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो जब भी डिफेक्ट होता है तो उसे रिप्लेस बाय नॉर्मल बोन मैरो। ये जो बोन मैरो है, बोन मैरो हमारे जो थाइज है, थाइज में प्रेजेंट होता है, उसका रोल है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम, ब्लड बनाने का काम ये बोन मैरो करता है। तो बोन मैरो इम्पोर्टेंट है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये एडीए डिफिशियंसी, हमने पहले देखा था कि जो एडिनोसिन डियामाइन उसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया गया है, कि जो एडीए डिफिशियंसी है उसमें इंजेक्शन लगवाकर उस पेशेंट को ठीक किया गया। तो थर्ड है लिम्फोसाइट कल्चर, तो लिम्फोसाइट में जो है तो लिम्फोसाइट रिमूव, जो खराब वाला लिम्फोसाइट से हमारे ब्लड में उसे रिमूव किया गया। जीन इंट्रोड्यूस यूजिंग रिट्रोवायरस लिम्फोसाइट्स रिटर्न इन पेशेंट, तो ये जो लिम्फोसाइट है, जो खराब वाला लिम्फोसाइट था उसे रिप्लेसमेंट किया गया अच्छे वाले से, तो रिट्रोवायरस यहाँ पे यूज़ किया गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो एलाइजा नाम की, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, जब ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है वो एनिमल में भी किया गया, तो डीएनए मैनिपुलेट एट द एक्स्ट्रा फॉरेन जीन कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि जो यदि कोई कैटल है उसका दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसमें जो डिजायर्ड जीन है जो कि दूध प्रोडक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल कैटल में, कि जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहा गया है। तो रैबिट्स माइस पीग काऊ शीप फिश में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल, तो 90% इन माइस में किया गया है, क्योंकि जो माइस है माइस का प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वो जल्दी हो जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टडी कॉम्प्लेक्स फैक्टर स्टडी बायोलॉजिकल इफेक्ट इंसुलिन, ये जो फिजियोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो स्टडी डिसीज हाउ जीन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस रोमेटिड्स अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिसीज, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें ये जो जीन थेरेपी है वो क्या करती है कि कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस रोमेटिड्स अर्थराइटिस उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज किए गए हैं। तो इस तरह से हमने थ्री मेथड्स फॉर क्योर देखी। जो उसके बाद है इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो एनसीईआरटी में दिए गए है कि ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। ये जो ट्रांसजेनिक, हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी कैटल में काऊ में दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो डिजायर्ड जीन उस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से उस कैटल में जी काऊ में दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ह्यूमन प्रोटीन, तो सबसे पहला है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है यूज इन एम्फाइसेमा डिसीज। तो नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा वा डिसीज़ में ये जो ह्यूमन प्रोटीन है वो यूज़ किया जाता है, तो एम्फाइसेमा डिसीज़ में।
और उसका नाम है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। फाइलोकीटो यूरिया PKU, फाइलोकीटो यूरिया ये जो इम्पोर्टेंट है। तो एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन 1997 ट्रांसजेनिक काउ रोजी नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। 1997 में ट्रांसजेनिक काउ का नाम था रोजी। प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, यानी कि उस रोजी काउ में दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जीन ट्रांसफर किया गया था। 2.4 ग्राम पर लीटर। देयर इज एन ह्यूमन अल्फा टैक्टलबिन प्रोटीन, तो जो प्रोटीन का नाम है ह्यूमन अल्फा टेक्टा अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो रहा था या फिर इंक्रीज हो गया। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस उसमें पोलियो वायरस का जो वैक्सीन लगाया गया, यानी कि जो कुछ भी दवाइयाँ यदि जब भी बनाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कोरोना में जो वैक्सीन बनाए, तो वो उस वैक्सीन का फर्स्ट जो टेस्ट थी तो वो माइस पे की गई थी। तो यही एक ट्रांसजेनिक माइस है कि उसमें पोलियो वायरस की वैक्सीन दी गई थी। मंकी टेस्ट रिप्लेस बाय दिस, यानी कि जो मंकीज़ है, शुरू में मंकीज़ हमारे ह्यूमन से कंपेरेटिवली जो सिमिलर है वो मंकी है, तो उस शुरू में मंकी पे ट्रीटमेंट की जाती थी, टेस्ट की जाती थी, अब उसकी रिप्लेस बाय माइस में किया गया है। उसके बाद एक केमिकल सेफ्टी, ट्रांसजेनिक एनिमल जो केमिकल सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल है, सेंसिटिव टू केमिकल टॉक्सिन सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इथिकल यूज, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी JEAC, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें जो पेटेंट मॉडिफिकेशन टू अलाउ द जीन, तो ये इथिकल जीन में सबसे पहले तो है कि ये पेटेंट मिलती है, कोई भी चीज़ हम यदि डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसका पेटेंट बनता है, और जो मॉडिफिकेशन टू अलाउ द जीन, और उसका जो ह्यूमन वेलफेयर में या फिर जो जानवर है, एनिमल है, ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसका वो ये जो इथिकल यूज़ में एक भाग आता है। राइस, तो राइस यहाँ पे दी गई, लगभग 20,000 वराइटीज़ इन इंडिया, भारत में 20,000 के आसपास लगभग ये जो राइस की वराइटी पाई जाती है, उसमें से बासमती की 27 वराइटी है, 27 वराइटी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। इन 1997 में अमेरिका गेट द पेटेंट ऑफ बासमती, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो इन 1997 में अमेरिका को किसका पेटेंट मिला था, तो बासमती का मिला था। तो बासमती क्रॉस विथ डॉर्फ बासमती, यानी कि जो बासमती है, अमेरिके के जो लोगों ने क्या किया था कि बासमती की जो नॉर्मल वराइटी उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया था डॉर्फ के साथ, इससे न्यू वराइटी ऑफ बासमती फॉर्म हो गई। टर्मरिक नीम, ये भी एक हमारे या फिर अमेरिका ने इसका पेटेंट मिलाया था शुरू में। अब जो बायोपायरेसी, यानी कि जब भी कोई इंसान रिसर्च करता है या फिर उसका इन्वेंशन करता है, तो उस फॉर्मूला का, उस जो नई बनाई वैरायटी का जो इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसे थीप किया जाता है, चोरी करते हैं लोग, तो उसे बायोपायरेसी बोला गया है। तो कि जो विदाउट परमिशन जो भी साइंटिस्ट है या फिर कंट्री है जो नए तौर पर नया जो जीन बनाती है या फिर नया जो एनिमल हो या फिर कुछ भी डिस्कवरी बनाती है, विदाउट देयर परमिशन कंपनी यूज़ फॉर सेल, यानी कि जो मार्केटिंग या फिर पैसा कमाने के लिए जो फॉर्मूले चुराए जाते हैं और उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उससे पैसे बनाए जाते हैं, तो ये बायोपायरेसी में आता है। तो इंडियन पार्लियामेंट में सेकंड अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सेकंड अमेंडमेंट बिल में पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजन एंड द रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि जैसा हमने बोला था कि कोरोना काल में यदि कोई कंपनी ने क्या किया था कि डिस्कवरी की या फिर वैक्सीन बनाया, तो उसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए
ना देखते हुए उस कंपनी ने रीजनेबल रेट में भी, जो सभी लोग है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उनको वो दवाई मिलनी चाहिए, ये इस बिल में बनाया था कि पेटेंट फॉर इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपातकाल समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड रिसर्च, जो भी कुछ हमने रिसर्च किया है, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव, यानी कि जो डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट जो है वो किसी भी कंट्री की तब आती है जब उस कंट्री के लोगों को उसको बेनिफिट हो जाए। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस तरह से कि विदाउट देयर परमिशन कोई साइंटिस्ट बनाता है और उसका फार्मूला चुरा के कोई अदर जो देश है उसका प्रोडक्शन करके उसका जो मार्केट में दवाई खोज के दवाई को सेल करे, तो ये जो बायोपायरेसी में आता है। तो इस तरह से जो बायोपायरेसी है ये इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ने क्या किया था, सेकंड अमेंडमेंट बिल, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो नया कुछ एनिमल बनाया है या फिर नया कुछ मेडिसिन की डिस्कवरी हो गई है या फिर जो भी कुछ नए तौर पे जो ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है उसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए, उस बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन मेडिसिन में देखे, इंसुलिन बनाने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन था वो बीटी टॉक्सिन में था, बीटी कॉटन में यूज़ किया गया, टोमेटो में यूज़ किया, सोयाबीन में, पोटैटो। इसका जो मेन जो रीज़न था, बायोटेक्नोलॉजी का मेन जो रीज़न है वो है कि जो खेती से रिलेटेड जो कुछ भी, यानी कि एग्री से रिलेटेड क्रॉप प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब क्वालिटी बढ़ेगी तभी लोग उससे क्या करेंगे कि उस क्वालिटी को खरीदेंगे, और जो किसान भाई है उनका जो इकोनॉमिकल जो कुछ भी है वो इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि किसान भाइयों को अच्छे से पैसे मिलेंगे उसकी खेती बाड़ी से, और जो उसका प्रोडक्शन है, यानी कि जो लोग जो गरीब लोग हैं उनको भी पेट भर खाने के लिए मिलेगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था कि एग्री फील्ड में। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कम से कम पेस्टिसाइड उसमें यूज़ करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से आज जो खेती से जो हम कुछ भी खाते हैं, फल सब्ज़ी खाते हैं, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, तो उससे जो है वो कैंसर की या फिर कोई नई बीमारियाँ जो है वो डेवलप हो रही है। और जो सेकंड उसका जो एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल है उसकी वजह से जो हमारी खेती की जो सॉइल है वो भी खराब हो रही है, ज़मीन खराब हो रही है। थर्ड था कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्री, यानी कि जो नए तौर पे बनाए गए जो भी सीड है या फिर क्रॉप है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, उससे जो लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये उस जेनेटिकल इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्री में इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमने देखा कि इंसुलिन जो बनाई जा रही है तो वो हमारी इकोलाई बैक्टीरिया से बनाई गई। जीन थेरेपी देखा हमने, जीन थेरेपी के बाद हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट देखा, एंजाइम रिड्यूस, लिम्फोसाइट, ये जो कुछ ह्यूमन की हेल्थ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। एलाइजा टेस्ट देखा हमने कि एलाइजा टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन है। उसके बाद हमने ट्रांसजेनिक एनिमल देखा, ट्रांसजेनिक एनिमल उसमें जो जीन है कौन सा है, तो क्राई जीन है। और जो काऊ थी 1997 में जो मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज की गई थी तो उसका नाम था रोजी। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 8 इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क का ये चैप्टर है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमारे जो नीट 2024 की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट है तो उनके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है।
और जो इसका पार्ट फर्स्ट है वो भी हमने YouTube पे डाला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।